फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है और अब फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ बड़े चेंजेस करने जा रहा है। तो अगर आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि फेसबुक ने अपना नाम क्यों बदला, इसके पीछे की वजह क्या है और इससे आप पर कितना फर्क पड़ेगा। क्या फेसबुक का ऐप और वेबसाइट भी चेंज हो रहे हैं? क्या अब फेसबुक पर आपको नई प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और क्या चेंजेस आपको आगे फेसबुक पर देखने को मिलेंगे? यही सब आगे 3 मिनट में। सो फेसबुक इज नाउ मेटा प्लेटफॉर्म्स, इन शॉर्ट मेटा। फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया है और अब ये प्लेटफॉर्म मेटा के नाम से जाना जाएगा। 17 साल पहले 2004 में फेसबुक आया था और ये अब तक का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना। और उस वक्त में इफ़ यू कुड रिमेंबर, ऑर्कुट का टाइम था, लोग एक दूसरे को स्क्रैप्स भेजते थे एंड देन इट वॉज ऑल अबाउट फेसबुक एंड फेसबुक। गूगल ने कोशिश की फेसबुक से कम्पीट करने की बाय लॉन्चिंग गूगल प्लस, बट फेसबुक की बराबरी कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर पाया। वैसे फेसबुक पर डेटा चोरी और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के एलिगेशंस भी लगे, आज भी लगते आए हैं और कई कंट्रोवर्सी में ये प्लेटफॉर्म फंसा और आज भी फंसा हुआ है। बट नाउ इट्स रेडी टू टेक अ न्यू लीप इन द फ्यूचर। फेसबुक जब आया था तब सोशल मीडिया एंगेजमेंट, सोशल मीडिया की शुरुआत ही हुई थी एक्चुअली, और एक ईजीली एक्सेसिबल सोशल मीडिया वेबसाइट और फिर ऐप लाकर फेसबुक ने लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने का, एक दूसरे से जुड़ने का मौका दिया। और फिर बाद में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी इन्होंने खरीद लिया और एक सोशल मीडिया वेब क्रिएट कर दिया पूरी तरीके से, जिससे कोई भी शायद आज बाहर निकलकर नहीं जा सकता। अब जब वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स टेक वर्ल्ड के नए बज़वर्ड बन गए हैं, इनफैक्ट लगता है कि वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स विल बी द फ्यूचर, तो फेसबुक अब इन्हीं पर फोकस करने जा रहा है। मेटावर्स एक्चुअली इज अ वर्चुअल स्पेस जहां पर यूजर्स वर्चुअली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, गेमिंग कर सकेंगे, मूवीज देख सकेंगे एंड कैन डू अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें आपको किसी फिजिकल स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक हेडगियर जैसे कि वीआर हेडसेट आते हैं वो आपको यूज करने हैं या फिर वीआर ग्लासेस एंड सब कुछ आपके सामने होगा। मूवीज देखनी है तो आपको किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं होगी, किसी टीवी या फिर किसी मोबाइल की जरूरत नहीं होगी, यू नीड जस्ट दैट वीआर डिवाइस और सब कुछ आपके सामने होगा। फेसबुक पर, मेटा पर जो भी आपका सोशल नेटवर्क होगा वो वर्चुअली अवेलेबल होगा एंड यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद देम वर्चुअली। यहाँ पर यूजर्स अपना वर्चुअल होम क्रिएट कर पाएंगे और अपने फ्रेंड सर्कल को वहाँ पर इनवाइट कर सकेंगे, जैसे आप घर पे बुलाते हैं, सब कुछ वर्चुअली होगा। जैसे यू स्टे इन रियल टाइम, बिल्कुल वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में आप दोस्तों से इंटरेक्ट कर पाएंगे। देयर विल ऑल्सो बी अ होराइजन वर्ल्ड और आप वर्चुअली दुनिया घूम सकेंगे एंड ग्लोबली लोगों से इंटरेक्ट कर सकेंगे, मतलब यूजर्स के वर्चुअल अवतार के साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। मल्टीवर्स में गेमिंग स्पेस भी होगा जहां पर यू विल बी एबल टू प्ले योर फेवरेट गेम्स अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। सो फेसबुक का फोकस जो है वो मल्टीवर्स पर होगा। द कॉन्सेप्ट ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स फ्यूचरिस्टिक, बट लेट्स सी हाउ इट मटीरियलाइजेस। पर क्या फेसबुक के मेटा बन जाने से, नाम बदलने से फेसबुक का ऐप, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम ऐप भी बदलेंगे? सो नो, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ऐप्स का नाम नहीं चेंज हो रहे हैं। फेसबुक का कॉर्पोरेट नाम बदला है और आपकी यूजर आईडी, आपके प्रोफाइल, आपके आईडी पासवर्ड सब कुछ एज इज रहेंगे। आप जैसे अभी तक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप यूज करते आए थे वैसे ही आगे करते रहेंगे, बट फ्यूचर में फेसबुक में प्लान अ मेजर ओवरऑल। तो आज के लिए फेसबुक नेम चेंज पर इस टेकटॉक वीडियो में इतना ही। ऐसी और दूसरी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेकटॉक।